Hello students. <coughs> Today we'll do question 4, fifth part of exercise 3.5, chapter 3, class 10th, max. What is fifth question? The area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. In second case, if we increase the length by 3. And the breadth by 2, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimension means length and breadth, we need to find out. So let's start by assuming the length and breadth only. Let, let the length of the rectangle be x and breadth by so we assume the length and breadth x and y now what is the area we know what is area of rectangle area of rectangle what is the formula for area of rectangle length into breadth what is length x and what is breadth y now we'll consider the cases so what is the first case first case so read the question again if the if the length is reduced by 5 length we have to reduce by 5 length may 5 come karna hai and breadth is increased by 3 or oh, breadth may 3 add karna hai so न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी न्यू लेंथ हो जाएगी ब्रेथ में हमें न्यू लेंथ में लेंथ में हमें फाइव कम करना है तो अभी कितनी लेंथ है एक्स एक्स में फाइव कम कर दो एक्स माइनस फाइव और ब्रेथ में हमें थ्री यूनिट्स इंक्रीज करना है तो न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी न्यू ब्रेथ इज वाई प्लस थ्री तो इससे अब एरिया निकाल लेते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा इसका लेंथ इनटू ब्रेड अगेन अब लेंथ कितनी है एक्स माइनस फाइव और ब्रेड कितनी है वाई प्लस थ्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर कंडीशन चेक करें एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स फाइव इंटू वाई माइनस फाइव वाई माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन सो दिस इज दू एरिया एरिया गेट रेड्यूस बाय नाइन मीन्स दिस एरिया वेन वी रेड्यूस लेंथ बाय फाइव एंड ब्रेथ में हम थ्री एड कर देते हैं लेंथ में फाइव यूनिट कम कर देते हैं तो हमारा एरिया ओरिजिनल एरिया से नाइन स्क्वायर यूनिट कम आएगा ओरिजिनल एरिया से नाइन स्क्वायर यूनिट्स कम आएगा तो कंडीशन क्या है न्यू एरिया इक्वल्स टू ओरिजिनल एरिया से फाइव एरिया कम आ रहा है ओरिजिनल एरिया माइनस नाइन स्क्वायर यूनिट कम आ रहा है सॉरी नाइन स्कोयर यूनिट तो न्यू एरिया क्या है हमारा ये न्यू एरिया की वैल्यू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फिफ्टीन ये न्यू एरिया ओरिजिनल एरिया क्या है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेल जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम किया है वही हमारा ओरिजिनल एरिया है दिस इज़ ओरिजिनल एरिया और एक्स इंटू वाई इज द ओरिजिनल एरिया वेन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज सो ओरिजिनल एरिया की वैल्यू रख दो एक्स वाई और माइनस नाइन एज इट इज सो वी गॉट द इक्वेशन बन गई से हमारी अब जो लाइक टाइम से काट दू एक्स वाई से एक्स वाई का क्या बचा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन एंसर आएगा प्लस फिफ्टीन

एंड ब्रेथ बाय टू ब्रेथ में भी हमें टू एड करना है लेंथ में भी थ्री एड करना है तो एरिया इंक्रीजेस बाय सिक्सटी सेवन तब एरिया ओरिजिनल एरिया से सिक्सटी सेवन ज्यादा हो जाएगा सो लेट्स मेक सेकेंड इक्वेशन विद्प ऑफ दिस स्टेटमेंट तो सेकेंड केस क्या हो गया हमारा न्यू लेंथ अब इसमें न्यू लेंथ कितनी आएगी लेंथ में हमें थ्री ऐड करना न्यू लेंथ एक्स प्लस थ्री एंड न्यू ब्रेथ इसमें न्यू ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारी इसमें भी हमें टू ऐड करना है वाई प्लस टू नाउ व्हाट इज द एरिया लेट्स फाइंड द एरिया इन दिस केस न्यू एरिया इन दिस केस न्यू एरिया अगेन लेंथ इन टू ब्रेड व्हाट इज न्यू लेंथ एक्स प्लस थ्री वट इज ब्रेथ एक्स वाई प्लस 2. First, solve this x into y, x, y, x into 2, 2x, two, 2 into y, 2y, two, 2 to the 4. So, now condition. What condition given to us? In this case, when length is increased by 3 and breadth is increased by 2, the area increases by 67, means new area is now. मोर देन ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल एरिया से कितना ज्यादा है सिक्सटी सेवन स्क्वायर यूनिट ज्यादा है तो इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी तो न्यू एरिया क्या है रख दो वैल्यूज़, एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर ओरिजिनल एरिया कितना था एक्स वाई और प्लस सिक्सटी सेवन गोइंग ऑन तो अगेन एक्स वाई कैंसिल विथ एक्स वाई लाइक टर्म्स कलेक्ट करके काट दीजिए एक्स वाई कैंसिल विथ एक्स वाई वॉट लेफ्ट टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्सटी सेवन ट्रांसपोज फोर माइनस फोर टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सेवन माइनस फोर थ्री सो 63 इक्वेशन नंबर टू नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस Therefore, second case <coughs> new length equals to x plus 3 and new breadth is y plus 2. So, what will be the area? Therefore, area is length into breadth, length is x plus 3.

मीन्स दिस न्यू एरिया इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल एरिया बाय हाउ मच सिक्सटी सेवन मोर न्यू एरिया क्या आया हमारा देखिए यह एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स ओरिजिनल एरिया क्या था लेंथ इंटरब्रेड एक्स वाई था

सो वी गॉट टू इक्वेश हमें दो इक्वेश मिल गई है अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन वापस अगेन लेट्स राइट बोर्ड द इक्वेशन नंबर टू सो हियर द को ऑफिशंट आर नॉट सेम लेट दस सेम बना लेते हैं एक्स या, या वाई किसी के भी बना लेते हैं तो एक्स के बना लेते हैं थ्री और टू का एल्सियम कितना हुआ सिक्स तो so, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं टू का इसमें करते हैं थ्री का सो व्हाट रिजल्ट विल गेट? हमें क्या मिलेगा देखिए सो टू थ्री जा सिक्स एक्स, टू फाइव जा टेन वाई एंड टू सिक्स ट्वेल्व थ्री टू जा सिक्स एक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन वाई एंड सिक्सटी वन थ्री जा वन एटी थ्री सब ट्रेक कर दें। दोनों प्लस है तो माइनस करते हैं माइनस साइन चेंज आएंगे सबके माइनस और ये क्या हो गया माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए माइनस टेन एंड माइनस नाइन हाउ मच माइनस नाइनटीन वाय सेवेंटी वन माइनस का माइनस से माइनस कट तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी वाई आ गया वन सेवनटी वन बाय नाइनटीन नाइनटीन नाइन जो वन सेवेंटी वन तो y की वैल्यू कितनी आ गई नाइन अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x निकाल लेते हैं हम पट y इक्व टू नाइन इन इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं। <coughs> 1 क्या है हमारी यदि इक्वेशन वन इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू वाई की वैल्यू कत नाइन इक्वस टू क्या चल रहा है सिक्स थ्री एक्स इक्व टू सिक्स प्लस फाइव नाइन जा। 45. इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं तो थ्री थ्री सेवनटीन तो दोनों हमारे पास आ गए निकल के तो हम लिख सकते हैं देर फोर वॉट इज लेंथ एंड वॉट इज ब्रेथ देर फोर हमें ये निकालना था डायमेंशन निकाली थी देर फोर लेंथ क्या है सेवनटीन एंड ब्रेथ क्या है ब्रेड कितनी है नाइन सो क्लियर चिल्ड्रेन समझ में आया यह किस तरह से करना है इट नीड्स प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो कीप सॉल्विंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो